हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, राम सेतु, जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी फर्स्ट हाफ राम सेतु देखी है। चलिए जानते हैं कि फर्स्ट हाफ राम सेतु कैसी है। दोस्तों, फर्स्ट हाफ की बात करें तो यार बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा मैं, समझने वाली मूवी है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार डॉक्टर आर्यन सुपर, मतलब कि जैसे कि आप सोचोगे कि अक्षय कुमार की एंट्री एकदम जबरदस्त हो, उस तरीके से उनकी एंट्री नहीं है। बट जैसे भी एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है। उनकी कहानी जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, अभिषेक शर्मा इस मूवी का डायरेक्टर है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहानी को रिसर्च करके उन्होंने ये मूवी को बनाया। दोस्तों, जैकलिन की बात करें तो जैकलिन काफ़ी समय के बाद आती हैं, और उनके जो वाइफ का कैरेक्टर कर रही है नुसरत भारूचा, एक उनका छोटा बेटा भी है दोस्तों, जो कबीर नाम है। दोस्तों, स्टोरी जो है आपको ना थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगी, बोले क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, बहुत सारी राम सेतु को लेके कहानी है दोस्तों। बट एक वर्ड बोलूँगा मैं कि फिलहाल भी फर्स्ट हाफ खत्म हुई है, सेकेंड हाफ में पूरी निचोड़ है ना कहानी की, जो पूरी निचोड़ वो सेकेंड हाफ में बताएगा। मेरे को ना समुंदर में जब वो जो है ना कोट जैसा रहता है ना कुछ पहन के वन जाते हैं, समुंदर की जो सीन है बहुत काफ़ी अच्छे हैं, जितने भी विजुअल है काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया। वो पानी वाला सीन या माइंड ब्लोइंग है, मतलब कि अपना खो जाओगे, ऐसे सीन है वो पानी वाला, मजा आ गया यार, सुपर। सत्यदेव, ओहो, इंटरवल से 15-20 मिनट पहले एंट्री होती है, 15 मिनट पहले, माइंड ब्लोइंग। वो समुंदर में जब अक्षय कुमार डूबते हैं, वो जिस तरीके से हाथ देते हैं उनको बचाने के लिए, सुपर, मज़ा आ गया रियल। और इंटरवल जो पॉइंट था ना, इंटरवल का जो पॉइंट, हेलीकॉप्टर वगैरह शूट वगैरह, ओहो माय गॉड, सुपर है। अक्षय कुमार का जो लुक है यार काफ़ी ऑसम लग रहा है, उनका हेयर स्टाइल, चश्मा, मज़ा आ गया यार, सुपर। मैं वो एक वर्ड बोलूँगा कि अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट हाफ है तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा मेरे को, स्टोरी जब सेकेंड हाफ आएगी ना, पूरी मूवी एंड तक चलेगी, तो पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है जो राम सेतु को लेकर वो भागे हैं, कि उसके पीछे जो उनके खुद का आदमी उनके पीछे चल रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है बनी हुई है अभी फिलहाल मूवी में, फर्स्ट हाफ में। दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड हाफ बाद कैसी रंग लाती है। देखो दोस्तों, अभी रेटिंग नहीं दूंगा मैं, अभी इसलिए रेटिंग नहीं दूंगा कि सेकंड हाफ देखने के बाद ही इसको डिसाइड करेंगे कि क्या रेटिंग होएगा इसका। फिलहाल के लिए मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में, ये नहीं बोलूँगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि सीटी ताली बजाओगे, ऐसा कुछ सीन्स नहीं है, कुछ कुछ सीन्स है जहाँ पे आपको मन करेगा थोड़ा सीटी ताली बजाऊं, लेकिन ये मास ऑडियंस की लाइक मूवी नहीं है। मैं एक वर्ड बोलूं तो ये मास ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक समझने वाली मूवी है, एक रियल स्टोरी है ये, और इसमें दिमाग लगाने पर मजबूर कर देगी आपको। तो आपको दिमाग लगानी है कि आखिर वजह क्या है, क्यों चल रहा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो बस भाई, मिलते हैं फुल वीडियो में, फुल रिव्यू में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड राम सेतु।